हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्लीनिंग के सभी काम फिनिश करके मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे करनी है आज सर्दी के कपड़े निकालने की तैयारी। दीपावली के बाद सर्दी की शुरुआत शुरू हो जाती है, तो बेड में से सर्दी के कपड़े निकाल देती हूँ। सर्दी के कपड़ों को स्टोरेज करने के लिए एकमात्र मेरे पास ये बेड ही है, जो ठुसा ठुस भरा हुआ है, जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कपड़े कहाँ रखे हैं। इसलिए एक एक बॉक्स को उठाकर देखना पड़ रहा है। जब सर्दियाँ खत्म हुई थी तो मैंने धोकर सभी कपड़े बेड में यूं ही रख दिए थे, जिससे ढूंढने में परेशानी हो रही है। इस बेड में सर्दी के कपड़े ही नहीं, वरन अनेकों प्रकार के कपड़े और सामान रखे हुए हैं, जिसके कारण ढूंढने में दिक्कत हो रही है। फिर मैंने सर्दी के सभी कपड़े बाहर निकाल दिए थे। और इन्हें अलग अलग छांट कर रख रही थी। इनमें ये भी देखना होगा कि कुछ कपड़े बच्चों के छोटे हो गए होंगे तो उन्हें अलग करना होगा और सही कपड़े अलग रखने होंगे। तो मैं इस तरह से सभी कपड़े रख लूंगी और उन्हें अलग अलग बॉक्स में रख दूंगी। तो फाइनली मैंने सभी कपड़े अलग अलग रख दिए। चलो बेडशीट भी बिछा देते हैं। मुझे सर्दी के कपड़े निकालने और सुंगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि जोरों से भूख भी लगने लगी थी। फिर मैंने किचन में जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाने में मैंने पकौड़ी की तैयारी शुरू कर दी, जो मैंने पनीर के पकोड़े तले और प्याज और आलू के। बच्चों के लिए मैंने पनीर के पकोड़े तले, क्योंकि बच्चों को पनीर के पकोड़े अच्छे लगते हैं। अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, तो पकवान भी रोज ही बन रहे हैं। पनीर के पकोड़े बनाने के बाद मैंने प्याज और आलू के पकोड़े भी तल लिए, और उसके बाद मुझे जाना था पुराने बर्तन चेंज करने, तो आज मैं ये कर ही रहूंगी। दरअसल दिवाली से पहले धनतेरस आता है, जो मैं धनतेरस पर नहीं कर पाई, क्योंकि धनतेरस वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। धनतेरस पर ये छोटा सा कैसरोल लिया था। मैं मार्केट गई थी पर बर्तन वाले की शॉप आज बंद थी। ट्यूजडे को वो शॉप बंद रहती है, तो मुझे नहीं पता था, तो बर्तन मैं नहीं बदल पाई। बर्तन मुझे फिर कल बदलने जाना पड़ेगा। फिर मैं वेजिटेबल्स ले आई, तो वेजिटेबल्स मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही लाई हूँ, जो सर्दियों के खाने के लिए बेस्ट होती है। तो अब मैं फटाफट इन्हें भी ऑर्गेनाइज्ड कर रख लेती हूँ। अब करती हूँ मैं अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना।
चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।